किया है कि जालक ऊर्जा क्या होती है, जालक ऊर्जा को किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कुछ अपन ने लेक्चर्स देखे हैं जिसमें अपन ने जालक ऊर्जा का क्या किया है, डिस्कशन किया है, राइट। और जालक ऊर्जा का क्या किया अपन ने, अध्ययन किया है। चाहे आपके पास MG हो, चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो, आपके पास कोई से भी एग्जाम्पल्स हो, उनका अपन ने क्या किया है, जालक ऊर्जाओं का क्या किया है, अध्ययन किया है, राइट। जैसे Ne2 के लिए अपन ने बोन एबर्ट समीकरण के द्वारा अपन ने क्या किया, जालक ऊर्जा को क्या किया, डिस्कस किया। अब आपके पास नेक्स्ट अपने पास जो आएगा वो होगा अपने जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, कि जालक ऊर्जा के क्या क्या अनुप्रयोग है अनुप्रयोग है स्टूडेंट, जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग। जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो जालक ऊर्जा का अनुप्रयोग होता है वो अपने पास होता है कि आपके पास किसी भी यौगिक की बोन हैबर चक्र जो होगा जालक ऊर्जा में, बोन हैबर चक्र, क्योंकि जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ऐसे कर लेते हैं बोन हैबर चक्र के अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं कि जालक ऊर्जा के द्वारा अपन बोन हैबर चक्र के द्वारा अपन क्या क्या उनके अनुप्रयोग हो सकते हैं, कि बोन हैबर चक्र जो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है उससे अपन क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोन हैबर चक्र के अनुप्रयोग, बोन फिर पढ़ेंगे जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, बोन हैबर, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट साथ ही साथ हो जाएगा, बोन हैबर चक्र के अनुप्रयोग, चक्र के अनुप्रयोग, बोन हैबर चक्र के अनुप्रयोग। सबसे पहला अनुप्रयोग होता है जालक ऊर्जा करना, क्या होता है इसका पहला अनुप्रयोग, जालक ऊर्जा ज्ञात करना, क्या होता है इसका, जालक ऊर्जा ज्ञात करना, जालक ऊर्जा की गणना, जालक ऊर्जा की गणना, ठीक है भाई। इस चक्कर का प्रयोग करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है, किसके द्वारा, बोन हैबर चक्र के द्वारा, कि बोन हैबर चक्र का उपयोग किया जाए तो आयनिक यौगिक में बनने वाले बोन हैबर चक्र की सहायता से अपन उसकी जालक ऊर्जा की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है, ठीक है भाई। अतः आपके पास यहाँ पर विभिन्न विभिन्न ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है, अतः जालक ऊर्जाओं के आधार पर अपन विभिन्न विभिन्न ऊर्जाओं में होने वाले परिवर्तनों का भी उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं, अपन अध्ययन कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी ऊर्जा क्या हो रही है, यहां से रिलीज हो रही है। जैसे अपन कहते हैं कि जालक ऊर्जा अपने पास हो गई, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता आपके पास है, इनमें से किसी एक का मान ज्ञात हो तो अपन दूसरी राशि का मान आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि रिलीज होने वाली ऊर्जा अपने पास दो ही है। आपके पास यदि मैं कहूं सबसे पहले आप सब्लिमिनेशन एनर्जी दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, वियोजन दे रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है। अब मैं कहूं कि रिलीज होने वाली ऊर्जा कौन कौन सी है, तो आप कहोगे कि पहली रिलीज होने वाली ऊर्जा आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और दूसरी आपके पास रिलीज होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, जालक ऊर्जा, ठीक है। तो अपन ये कह रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को अभी मान ज्ञात हो तो दूसरी राशि का अपन आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको मान ज्ञात हो तो अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको मान ज्ञात हो तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का अध्ययन कर सकते हैं, जालक ऊर्जा का मान ज्ञात हो तो आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी गणना की जा सकती है। तो पहला अनुप्रयोग क्या है अपने पास, कि जालक ऊर्जा की गणना करना या जालक ऊर्जा को ज्ञात करना, ठीक है भाई, कि जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा, बोन हैबर चक्र के द्वारा। दूसरा अनुप्रयोग आपका इसका होता है कि आप इसके यौगिकों के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यौगिकों का स्थायित्व, यौगिकों का स्थायित्व। अपन अच्छे से जानते हैं जालक ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होने वाली एनर्जी होती है, और बोन हैबर चक्र में जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो अपने उसे क्या कहते हैं, अपन जालक ऊर्जा कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अपने पास रिलीज होती है, लेकिन टोटल कुल मिला के जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, जालक ऊर्जा बोल रहे हैं। और जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वह यौगिक उतना ही अधिक क्रिस्टल आयनिक यौगिक उतना ही अधिक क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है ना। कि यदि किसी यौगिक का स्थायित्व भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अपने पास जो संवहन ऊष्मा होती है, क्या होती है अपने पास, संवहन ऊर्जा का मान, कि आपके पास किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में
संभवन ऊष्मा या जालक ऊर्जा, दोनों की बात कर रहा हूं, किसी भी क्रिस्टल में संभवन ऊर्जा का मान, संभवन ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, यौगिक का स्थायित्व, यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है भाई, कि अपन इसके द्वारा किसका क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यौगिकों के स्थायित्व की भी व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा आपके पास जो इसका उपयोग होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, कि इसके द्वारा अपन बोन हैबर चक्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना, कि बोन हैबर चक्र के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी ज्ञात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना, इस चक्र की सहायता से इस चक्र की सहायता से आसानी से इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की गणना की जा सकती है। ठीक है भाई, कि इस चक्र की सहायता से आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है भाई, कि आपके पास NS3 के लिए अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करें, तो NS3 का अपने क्या होता है, NS3 को यदि अब जैसे एग्जाम्पल्स अपन ले ले कि NS3 के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करो, किसके लिए, NS3 के लिए, जैसे अपन एग्जाम्पल्स ले ले NS3 के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता NS3 के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, राइट। देखो अब NS3 की बात करूं मैं, तो NS3 H+ अपन क्या करेंगे उसे, NS3 से इलेक्ट्रॉन बंधुता की मैं बात करूं, तो NS3 से यदि मैं NH की बात करूं, NS3 से किसकी बात कर रहा हूं मैं, NH की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे NS3 है, NS3 इसे अपन H+ देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये NS4+,
क्या बना अपने पास NH3 को अपन यदि H प्लस देते हैं तो आपके पास NH4 बनता है, यहाँ से अपने पास NH P एनर्जी क्या हो रही है अपने पास रिलीज हो रही है। इसी तरह यदि अपन NH4 Cl की HCl के साथ वही NH3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं, NH3 रिएक्ट विद HCl, ठीक है। अब देखो NH3 तक पहुँचने के लिए अपन NH3 रिएक्ट विद HCl तो आपके पास क्या बनेगा NH4 प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा NH4 Cl, राइट। अब NH4Cl से अपन डायरेक्ट नीचे की ओर चले तो अपने पास क्या बनेगा आयनाइजेशन एनर्जी अपन देंगे, रिलीज हो गया ना, डायरेक्ट मेथड्स अपन कर रहे हैं प्लस डी से, तो NH3, H और Cl क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा NH3 प्लस H प्लस और Cl माइनस डी डायरेक्ट एनर्जी, ठीक है। इधर NH4Cl में अपन देंगे तो अब NH4Cl को बनाना ना अपन को, तो NH3 H प्लस और Cl माइनस, अब इसको देख के देख प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस IE और माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि प्लस IE अपने पास हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है तो अपने पास क्या हो जाएगा NH3 और H माइनस NH3 देखिए इसे ब्रेक किया वियोजन की ऊर्जा दी अपने पास तो ये इसके हमें NH3 और ये H किस में हो रहा है अपने पास S गैसेस में, H किस में जा रहा है गैसेस में और Cl भी किस में जा रहा है अपने पास गैसेस में, H भी गैस में और Cl तो गैस में है ही, H गैस और Cl भी अब क्या हो रहा है गैस, अब आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं तो अपने पास ये तो NH3 प्लस H प्लस में आयनाइजेशन एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए Cl माइनस, क्या बन रहा अपने पास यहां से NH4 प्लस और Cl माइनस NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। और यहां से अपने पास क्या हो रहा है NH4 Cl का क्या हो रहा है फॉर्मेशन हो रहा है और यहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अपने पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से आसानी से क्या कर सकते हैं अपन अध्ययन किया जा सकता, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन NH3 जैसे यौगिकों की जालक ऊर्जा का क्या कर सकते हैं अपन अध्ययन कर सकते हैं, या डेलएच एंथैल्पी एक्सचेंज का भी अपन क्या कर सकते हैं डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब देखो डेलएच का फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ से, डेलएच इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा डी डायरेक्ट एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस पी माइनस यू, मतलब डेलएच इक्वल टू डायरेक्ट एनर्जी, ठीक है। दूसरी अपने पास क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद में माइनस पी माइनस यू, ये आपके पास क्या होगा एंथैल्पी एक्सचेंज का क्या होगा फॉर्मूला होगा कि एंथैल्पी परिवर्तन आपको देखना है तो एंथैल्पी में क्या होगा अपने पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो डेल एच पर होगा अपने पास क्या होगा डी आई ई ए और यू, इसके द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं अपन अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। ये होते हैं अपने पास जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग, जालक ऊर्जा के अनुप्रयोगों के द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं किसी भी यौगिक के स्थायित्व की क्या किया जा सकती है व्याख्या की जा सकती है, किसके द्वारा बोन हैबर चक्र, सॉरी जालक ऊर्जा के अनुप्रयोग अपन नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जालक ऊर्जा के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, कैसे यौगिकों के स्थायित्व की विलयता की इनकी क्या की जा सकती है व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। अभी अपन ओनली किसके बात कर रहे हैं बोन हैबर चक्र की बात कर रहे हैं और बोन हैबर चक्र का उपयोग करते हुए अपन क्या कर सकते हैं इनका क्या कर सकते हैं अपन अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन इसमें टॉपिक पढ़ाएंगे विलायकन ऊर्जा और आयन विलायकन ऊर्जा और आयनों की विलयता और फजांस रूल जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके आपके पास एक इसका एक पार्ट क्या होता है खत्म होता है आयोनिक स्टेट आयनिक बंद क्या होते हैं इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया, इनकी त्रिज्याओं के बारे में डिस्कस किया, त्रिज्याओं को डिस्कस करने के बाद में अपन चले गए सीधे जालक ऊर्जा के बारे में, जालक ऊर्जा को क्या होती है जालक ऊर्जा वो देखा, जालक ऊर्जा के बाद में अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि इन्हें दो प्रकार से अपन डिस्कस कर सकते हैं, एक अपने पास सैद्धांतिक मान होता है एक प्रायोगिक मान होता है, उनके द्वारा अपने बोन समीकरण और सबसे पहले साइंटिस्ट बोन बस बोन हैबर ने दोनों ने अपने साइकिल चक्र के प्रयोग के द्वारा इन्होंने डिस्कस किया और उनका अपन क्या करते हैं उपयोग करते हुए अपन इन्हें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें अपने कुछ एग्जाम्पल्स बोन हैबर चक्र बनाए जैसे NaCl के लिए बनाया, MG
Mg2O के लिए बनाया, ठीक है भाई, Na2O के लिए अपन ने बनाया, MgO के लिए अपन ने बोन हैबर चक्र बनाया। और इसी तरह अपन ने उनके अनुप्रयोग देखे, और अनुप्रयोग में अपन ने ये देखा कि NH3 के लिए अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की भी आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे, आपके पास जो होगा वो क्या होगा, अपने पास फजान्स रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।